हेलो नमस्ते रशीदे सलाम वालेकुम, आप सबका स्वागत करते हैं जीएस प्रमोट चैनल के एक और वीडियो में। और आज हम लोग आए हैं अबू धाबी का, क्या कहते हैं आपका, ये पैलेस है, रेजिडेंशियल पैलेस है, जो कि हमें दो पैलेस है, एक और है वहाँ पे बाद में जाके दिखाएंगे और उसका नाम भी बताएंगे। फिलहाल जो हम हैं अबू धाबी का रेजिडेंशियल पैलेस, ठीक है, और कैसा दिखता है हम एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। गाइस मस्त है ना, कितना शानदार पैलेस है, लेकिन आज इतना एनर्जिक नहीं है यार मेरे में कुछ बोल सकूँ, बहुत जोर का भूख लगी है, मैंने खाना नहीं खाया इसी वजह से। तो आपको मैं सिर्फ शॉट दिखाते हैं, ठीक है। मौसम है ना बहुत ज़बरदस्त है, एक्सप्लोर करने के लिए तो इस पैलेस के अंदर ना बहुत कुछ है, लेकिन आई डोंट थिंक मैं इतना सब जगह जा पाऊँगा, तो थोड़ा बहुत दिखाते हैं आपको। वहाँ से मैं यहाँ से 9:00-11:00 करता हूँ। ये देखो लोग अंदर जाके फ़ोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, और इसके अंदर जाने के लिए भी वहाँ पे क्यू है ना। ये देखो मुझे तो नहीं जाना अंदर, राजाओं के महल के अंदर ऐसा होता है, लाइब्रेरी है ना। आपको दिखा दिया खुश, कितना जगह एक्सप्लोर करो, मतलब कितना नया है, तो यहाँ भी बहुत मस्त है। लैंड ऑफ कनेक्शन, सही, लैंड ऑफ कनेक्शन, बाकी क्या लिखा है वो आप खुद पढ़ लीजिए, मेरे में इतना जान नहीं रहा कि आपको सब पढ़ के सुनाए, ठीक है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, देख सकते हैं आप खुद देख लो यार, ये इंग्लिश में लिखा है और ये लिखा है आपका उर्दू में, अरबिक में। व्हाट डस बिगिन आई डोंट नो, इसको दिमाग में बिठा लिया जाए, ये बढ़िया लिखा है। और भी अंदर अंदर जाने का बहुत है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, थक गया मैं यहाँ से वापस निकलता हूँ। लगभग पैलेस के अंदर में मैंने आप सबको दिखा दिया है, अभी बाहर जाके दिखाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। बहुत और भी है लेकिन दिखाने को इतना एनर्जी नहीं है आज, तो मैं बाहर निकलता हूँ, थोड़ा बाहर आपको दिखाते हैं बाहर से कैसा दिखता है ये पैलेस, है ना। खूबसूरत है ना वो अबू धाबी का जो टावर्स है, देखो वहाँ में भी है। और ये पैलेस का तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत खूबसूरत है। सो यहाँ पे घूमने आए थे अबू धाबी का जो रेजिडेंशियल पैलेस है, और अभी हो गया आपको भी एक्सप्लोर कराया थोड़ा बहुत, क्योंकि आज मैंने खाना नहीं खा के आया था, जल्दी बजे में भूख लग रहा है, और अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो आज के लोग इतना ही है, कोशिश की आपको थोड़ा सा जो है पैलेस का शॉट दिखाने की, है ना। हालांकि रियलिटी में यहाँ बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैंने शायद बराबर शूट नहीं कर पाया,
और आप चाहे तो यहाँ आ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट आपको कुछ बता देता है, यदि आप आता है तो रात का 8 बजे के बाद आइएगा, टिकट बहुत सस्ता है। रात का 8 बजे के बाद आप आते हो तो टिकट लगभग 25 दिराम पड़ता है, 25-30 इतना पड़ता है। लेकिन आप दोपहर को आता है या दिन को आता है तो टिकट कितना पड़ता है पता है? 65 दिरहम पर पर्सन। यदि बच्चा है तो 30 दिरहम, ठीक है। लेकिन आप रात को आते हो 8 बजे की बात, तो आपका प्राइस लगभग 25 से और कितना था ऐसे कुछ था, आप वो चेक कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो लोकेशन वगैरह जो भी इनका है ना, ठीक है, तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा इनका वेबसाइट वगैरह मिल जाते हैं, प्राइस क्या है और शाम को आंसर क्या रहेगा, सुबह आंसर क्या रहेगा, ए टू सी मैं लिख दूंगा, क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं आ गया, मैंने चेकआउट किया था। ओके सो गाइस, आज की वीडियो इतना ही है, बाय बाय, टेक केयर, बाय।